इतने दिन बाद कुकिंग कर रही हो? ए चुप कर तुम। फीलिंग लाइक क्राइंग। अबे अबे ट्विस्ट यही है कि मैं इस वीडियो को मैं 36 आवर्स में कंप्लीट करूंगी। चलिए देखते हैं डिनर में क्या खाएंगे। हम बना रहे हैं यहाँ पर लाई शाकिर गाहोरी मांखू। बॉईल कर रही हूँ नमक और नींबू से। क्यों? सॉफ्ट होगा और गंदगी चला जाएगा। हम डालेंगे थोड़ा सा पैन में तेल, एकदम थोड़ा सा। अब हम इसमें डालेंगे द पोक फैट ताकि वो उसमें से अच्छे से उसका तेल निकल जाए। आप देख सकते हैं इसमें काफी अच्छा सा तेल निकल चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे जो पोर्क मीट है अलॉन्ग विद द फैट। इसमें हम डालेंगे चॉप्ड अनियन, ढेर सारा लहसुन, कटी हुई मिर्ची, जिंजर पेस्ट, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें मीट मसाला। नाउ दिस इज नॉट मैंडेटरी बट अगर आप चाहें तो डाल सकते हो, इसमें टेस्ट अच्छा आएगा। एज यू कैन सी दिस कलर लुक्स सो प्रिटी एंड इतना सुंदर लग रहा है ये देख के। नाउ वी नीड टू जस्ट मिक्स इट रियली वेरी वेल। तो इसको हम 10 मिनट तक पका रहे थे, पकाने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा। अब इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट। अब हम इसमें डालेंगे लाई शाक एंड फिर वी विल लेट इट कुक फॉर सम टाइम। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हो लाई शाक मैंने थोड़ा सा रफली हैंड चॉप करके डाला हुआ है बिकॉज आई वॉन्ट टू फील द टेस्ट ऑफ द साग विद एवरी बाइट आई ईट। आप देख सकते हैं मैंने इसका स्टेम के समेत इसको डाला है सो दैट ज्यादा फ्लेवर्स आए इस साग का। नाउ वी विल कुक दिस फॉर अनादर 5-10 मिनट्स देन इट विल बी रेडी टू बी ईटन। लाई शाखेर गाहोरी माखो इज रेडी। तो चलिए अब हम बनाते हैं डक करी। डक मीट करी के लिए हमने यहाँ पर डक मीट ले लिया है। इसके अंदर हमने हल्दी, नमक, रेड चिली पाउडर और सरसों का तेल देके इसको मैरिनेट किया हुआ है। मैरिनेट करके रख देंगे 1/2 घंटे के लिए। पैन में डाला हुआ है थोड़ा सरसों का तेल। अब इसमें हम डालेंगे प्याज। हम ऐड करेंगे जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, चॉप ग्रीन एंड रेड चिलीज। ऐसा में काफी चिलीज खाता है मस्त से। अब इसमें हम डाल देंगे वो मैरिनेटेड डक मीट। नाउ मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स रियली वेल। अब हम लोग इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसमें से थोड़ा सा तेल ना निकल जाए। सो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें काफी अच्छा सा तेल निकल गया है। इसको हमने 5-10 मिनट तक पकाया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, मीट मसाला। नाउ मिक्स ऑल दिस इंग्रेडिएंट्स रियली वेल। अब इसको हम ढक के रख देंगे एंड वी विल लेट इट कुक फॉर अनादर 15-20 मिनट्स। आफ्टर 10 मिनट्स ये कुछ ऐसा दिख रहा है एंड ये काफ़ी अच्छे से सूख चुका है पूरा। दिस लुक्स अमेजिंग एंड द अरोमा इज सो गुड एंड टेम्प्टिंग। तो बहुत भूख लग रहा है यार। अब इसमें हम डाल देंगे चाल कुमड़ो एंड आलू। अब इसको हमने काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लिया है। नाउ वी विल लेट इट कुक फॉर अनादर 10 मिनट्स। एक्चुअली द थिंग इज ना डक मीट बहुत हार्ड होता है, इट्स जस्ट लाइक मटर। इसको कुक होने में ज़्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू चिकन। सो चलिए इसको 10 मिनट के लिए वापस से कुक करते हैं। अरोमा इज सो गुड। आई मीन इतने दिन बाद कुकिंग कर रही हूँ एंड वो भी एक नया कुजीन जो मैंने पहले कभी नहीं कुक किया है। थैंक्स टू प्राची फॉर हेल्पिंग मी आउट। आई कैन नॉट टेल यू दिस इज लुकिंग सो गुड। इतना ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिल रहा है ना बना के, आई कैन नॉट टेल यू। तो चलिए ये ऑलमोस्ट रेडी है सो मैं थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद हम डिलीशियस इन्हें खाएंगे। तिल का अरोमा इज सो गुड। पीछे ए चुप कर तुम। तो आप देख सकते हैं हमारा तिल चटनी इज रेडी। सो इट्स 11:30 इन द नाइट राइट नाउ एंड फाइनली आई हैव मैनेज्ड टू कुक सम डिलीशियस ऑथेंटिक असमीज फूड। एंड मैंने मेरे कजिन ब्रदर की शादी हुई थी तो उसमें काशा थाला, ही हैज गॉट काशा थाला एंड ग्लास। लकीली आई हैव गॉट दिस। प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन टू थिंग्स। एक, ये जो मैंने आइटम बनाया इज इट राइट, इज इट लाइक लुकिंग ऑथेंटिक। एंड दूसरा, क्या आप लोग सच में
पीतल की थाली में खाते हो तो ये मेरे को बताइएगा। अब मुझे बहुत तेज भूख लगी तो खाती हूँ, ऐसा लग रहा है मैं अपने आप के लिए यू नो एकदम शाही खाना बनाई और शाही तरीके से खा रही हूँ। अच्छे तरीके से खाने का एक अलग ही मजा है। वाह, पानी में बहुत अच्छा लग रहा है, थक गई पूरा। ये रहा मेरे पास तिल का चटनी, इसको ज्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा ही लेना है बिकॉज इट्स वेरी स्पाइसी। उसका मिर्ची भी ले लेती हूँ बिकॉज आई लव स्पाइस। लाई शाकेर गाहोरी मांखो, बेसिकली ड्राई फ्राई पॉर्क। इट्स स्पाइसी, इट्स वेरी गुड। आई जस्ट लविंग द पॉर्क फैट एंड कसा इष्टूर चिकन हुआ ना बांग्लादेश घरे, एकदम वैसा टेस्ट कर रहा है। वर्थ द पेन, जितना पेन लिया ना शॉपिंग करके खाना बना के खाने में, वर्थ है, वर्थ। वाओ दिस इज सो गुड। लुक एट दिस पोक फैट, दिस इज माई फेवरेट पीस ऑफ द पोक। यू हैव दिस थिक फैट, देन यू हैव दिस वेरी लाइट फैट, and then you have this meat. Now this tastes amazing. This is one of my most favorite meat. This particular dish was fatty, it was salty, it was spicy, and wo jo lai shaak hai na uska ek alag sa apna halka sa sweetness tha us shaak ke flavors mein, to balanced up ho raha hai. So basically it's a very dry snack kind of item, like starter dish mein bol sakti hu. However isko main starter dish bol ke isko main underrate nahi karna chahti hu, क्योंकि ये अलोन एक ऐसा डिश है, ये पूरे चावल के साथ आप अकेले खा लो, यू डोंट नीड एनी अदर आइटम टू ईट। तिल का अपना एक बिटर टेस्ट है, तिल का जो फ्लेवर्स होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए इतना स्पाइस दिया हुआ है। गार्लिक का एक बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है एंड डैम इट्स वेरी स्पाइसी। आई थिंक दाल चावल और इसके साथ बहुत अच्छा लगे। वाओ वेरी स्पाइसी। I think I took the very right decision to take the challenge, like the challenge ka time thoda bada ke aur aaram se main khaun. I'm damn sure ki aapko ye video bahut acha lag raha hoga, agar video acha lag raha hai aur agar abhi tak aap video dekh rahe hain to please subscribe to the channel, because main aise delicious and researchful and dedicated videos lati rehti hu is channel mein. If you are a foodie then you will not regret subscribing to my channel. It goes the duck meat curry with ash gourd and potato. जस्ट लुक एट कितना सारा मिर्ची है इसमें एंड द ब्यूटिफुल कलर ऑफ धनिया पत्ता एंड दिस चालकुंडो इज सो वेल कुक्ड एंड द आलू, आई लव आलू। दिस इज सो गुड, ओ माई गुडनेस, आई एम फीलिंग लाइक क्राइंग बिकॉज द फूड इज सो डैम गुड यार। ऐसे लग रहा मैं आसाम में बैठ के खा रही हूँ। दिस करी हैज अ वेरी लाइट टेक्सचर, द एश गार्ड हैज अ स्वीट फ्लेवर, द आलू हैज अ स्वीट फ्लेवर एंड उसके साथ द मीट हैज अ वेरी सॉल्टी स्वीट टेक्सचर इन इट एंड इन सबको टॉप कर रहा है द एडिशन पॉइंट इज द स्पाइसी चिलीज एंड द कोरिएंडर, एंड कोरिएंडर हैज इन इटसेल्फ द टैंगी पंजेंट फ्लेवर होता है। इन सबका फ्लेवर्स आप समझ रहे हो, जब मुंह में जा रहा है तो देयर इज अ ब्लास्ट ऑफ फ्लेवर्स एंड ऑल योर सेंसेस आर अवेकन, सो आई एम जस्ट फीलिंग हेवनली हेवनली डिलीशियस। इट्स टेस्टिंग वेरी गुड गाइस, आई कैन नॉट टेल यू, आई सीरियसली कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स हाउ ब्यूटिफुल दिस फूड इज, हाउ डिवाइन एंड हाउ ब्लिसफुल आई एम फीलिंग राइट नाउ। ओफ, आई एम ऑनेस्टली रियली रियली वेरी टायर्ड फॉर द डे एंड मुझे बहुत नींद आ रहा है, तो अभी मैं सोती हूँ, फिर हम कल सुबह मिलते हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे डिलीशियस ऑथेंटिक एसमिस फूड चैलेंज। गुड मॉर्निंग फूड फैम एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। कल मेरा नींद इतना अच्छा आया ना, लाइक इतना थकने के बाद, इतना अच्छा खाना खाने के बाद, आई हैड अ लवली स्लीप। बात यह है कि अभी हम बनाने वाले हैं अ वेरी डिलीशियस एसमिस ब्रेकफास्ट जिसका नाम है कॉर्दोई। आप लोग कमेंट करके प्लीज इस कॉर्दोई डिश के बारे में मुझे बताइएगा। ऑनेस्टली बहुत मुश्किल से मैंने लॉकडाउन में कुकिंग सीखा था एंड फॉर द लास्ट वन मंथ मैं बिल्कुल भी कुकिंग नहीं कर रही थी, लाइक बाहर ही खा रही थी, तो मुझे लिटरली लगा कि मैं कुकिंग भूल चुकी हूँ, बट फाइनली आई एम बैक टू कुकिंग।
आई डोंट वॉन्ट टू लूज दिस लर्निंग बिकॉज बहुत लाइक लॉकडाउन में ये कुकिंग हैज रियली हेल्प मी ग्रो माई चैनल एंड ऑल्सो यू नो हेल्प मी ग्रो मी एज एन इंडिविजुअल. कॉर्दोई इज अ सेवरी स्नैक्स जो नॉर्मली बिहू फेस्टिवल में खाते हैं आसामीस लोग. इट इज ईटन इन ब्रेकफास्ट और इवनिंग स्नैक्स बोथ. तो उसके लिए आई हैव लाइक प्रिपेयर्ड एवरीथिंग. यहाँ पर मेरी सारी चीजें रेडी है. सो यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है. मैदा के अंदर आई एड चॉप्ड अनियन, श्रेडेड कैरेट, कोरिएंडर, थोड़ा सा अजवाइन और कैरम सीड, थोड़ा सा जीरा, सॉल्ट टू टेस्ट. अगर आपके घर में घी है तो घी डालिए. मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ. I'll just mix this एक बार. इसमें हम पानी मिलाएंगे और इसका एक डो बना लेंगे. एक टिप है, इफ यू वॉन्ट कि ये जो कट्स है वो सेपरेटेड रहे तो ऑलवेज पुट द ड्राई सूखा मैदा on your on the tip of your knife and then cut. My kardoi is ready and this looks quite tempting. खुशबू बहुत अच्छी आ रही है एंड अब खा के पता चलेगा ये कैसा है. I tell you one thing, जब आपके घर में कुछ भी ना हो ना आप ये बना के खा लो क्योंकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे जो नॉर्मली अवेलेबल होते हैं. काफी अच्छा टेस्ट है. इट इज टेस्टिंग लाइक अ सेवरी समोसा का जो लेयर होता है ना और आलू के साइड में जो लेयर होता है ना समोसा का जो थोड़ा नरम एंड क्रिस्प ये वैसा टेस्ट कर रहा है. अब ब्यूटिफुल इट लुक्स. वाओ. अजवाइन का एंड जीरा का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है. मैं जाती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ विद माय कुकिंग. लंच भी तैयार करना है, बहुत लंबा हो जाएगा. So the thing is that my mom doesn't eat pork meat and duck meat and all. She only eats fish and chicken and mutton. So कल रात को डिनर में मैंने जो जो भी चीज़ बनाई वो मम्मी ने उसमें से कुछ भी नहीं खाया. Not even the sesame chutney. So अभी जो आइटम है that is only fish and veggies. Like basically vegetarian खाना है but उसमें से भी एक fish आइटम है. So that my mom will eat and I hope कि मम्मी को वो सारे खाने अच्छे लगे क्योंकि कल हमने बहुत अच्छा डिनर बनाया था. है ना, डिनर अच्छा था ना? हम बनाएंगे आलू बैगन पिटिका. आलू बैगन पिटिका बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है भुंजा हुआ ब्रिंजल. जैसे कि आपने देखा था मैंने इसको गैस में बहुत अच्छे से सेक लिया है. देन वी हैव टेकन सम बॉइल्ड आलू, चॉप्ड ग्रीन चिलीज, चॉप्ड कोरिएंडर एंड सम फाइनली चॉप्ड अनियन. तो सबसे पहले हम इस बैंगन को क्लीन कर लेते हैं. We'll add the chopped onion, coriander, and green chilies. Add salt to taste. And lastly, the best part and the important ingredient, which is the mustard oil. इस चोखा में, like हम लोग इसको चोखा बोलते हैं. So इसमें जब तक सरसों का तेल नहीं जाता ना, it is incomplete because वो जो सरसों का तेल का aroma होता है ना, beautiful खुशबू जो होती है, it's amazing. It's like heavenly delicious. And voila, my aloo bengun pitika is ready. This papita is good. Iske andar beeja nahi hai, so it's like raw papaya. It's a good kochi papaya, kochi pepe. यहाँ हम बना रहे हैं ओमिता खार. ओमिता खार बनाने के लिए हमने पैन में थोड़ा सा सरसों तेल डाल दिया है. अब इसमें हम डालेंगे सूखा लाल मिर्च दो एंड थोड़ी सी काली जीरी. अब इसमें हम डाल देंगे हमारे आलू पपीता. अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक. अब इसको हम थोड़ा देर पकाएंगे. अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा 1 पिंच
अब इसको हम थोड़ा देर कुक होने देंगे। अब इसमें हम डालेंगे गरम पानी, इसको तब तक पकने देंगे ढक के जब तक ये पपीता और आलू एकदम से सॉफ्ट नहीं हो जाए। देखते हैं अब उठाते हैं अमिता खार का क्या स्टेटस है। सो अमिता खार इज लुक समथिंग लाइक दिस। ওই আমরা যে বানাই তরকারি আলুর তরকারি খালি পেপে টায়ার হয়েছে কানে ভাবে দড়ি আর এভাবে দড়ি আর কি আছে যে। अब हम बनाएंगे मसूर टेंगा विच इज अ सार फिश करी। मसूर टेंगा बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले फिश फ्राई करेंगे, तो फिश फ्राई करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे टर्मरिक पाउडर और थोड़ा सा नमक। अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पैन में डालेंगे तेल फ्राई करने के लिए। ये हमने यहाँ पर लिया हुआ है मस्टर्ड ऑयल, एंड मेक श्योर ये मस्टर्ड ऑयल अच्छे से आप गर्म कर लीजिएगा। आपको कैसे पता चलेगा गर्म है, ये पूरा तेल काला हो जाएगा तभी हम फिश को फ्राई करेंगे। फिश अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अब इसको हम निकाल लेंगे। दिस लुक्स क्वाइट टेम्प्टिंग। हम यहाँ पर कुकर में आलू एंड टमाटर को बॉईल कर ले रहे हैं। इसमें थोड़ा नमक डाल के इसको हम लोग बॉईल कर लेंगे, लाइक एक सीटी दे लेंगे तो काफी होगा। अब जिस तेल में हमने फिश को फ्राई किया था उसी तेल में हम डालेंगे मस्टर्ड सीड। अब मस्टर्ड सीड्स अच्छे से चटक चुका है, तो इसमें अब हम डालेंगे जो हमने कुकर पे चढ़ाया था टमाटर और आलू वो पूरा। गाइस मैं घर पे कुकिंग करके बना रही हूँ, उसका एक और एडवांटेज है कि आई कैन एक्चुअली गो थ्रू द इंटायर प्रोसेस। मैं एक्चुअली फील कर पा रही हूँ एवरीथिंग। अगर रेस्टोरेंट में ये खाना खाती तो मैं फील ही नहीं कर पाती ऐसा को या ऐसा इस फूड को। सो अब ये जो टमाटर है उसको हम लोग थोड़ा सा मैश करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा डालेंगे नमक। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चीनी। प्लेस द फ्राइड फिश। अब इसके अंदर हम डाल देंगे हरी मिर्ची। आप देख सकते हैं इसको मैंने 2 slices करके डाला हुआ है। अब इसको हम ढक के थोड़ी देर पकने देंगे। ये काफी अच्छे से पक चुका है। अभी इसमें हम डालेंगे काजी लेबू रोश, या फिर आप बोलो गोंदो लेबू, या फिर कागोजी लेबू। लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ कोरिएंडर एंड वोइला, माय मसूर टेंगा विच इज सावर फिश करी इज रेडी। गौर से क्या देख रही है, तेरा तो सब कुछ हो गया ऑलमोस्ट। अभी मेन आइटम बाकी है जिसके लिए मम्मी भी बहुत चिल्लाएगी। क्या? शुटकी माचर चटनी। लिटरली शुटकी माचर इज वन आइटम जो किसी आजू बाजू के घर में भी बनता है तो माय मॉम एंड मासी एंड एवरीवन इंक्लूडिंग अस शाउट्स लाइक एनीथिंग बिकॉज ऑफ द स्मेल। इट हैज अ वेरी लाउड एंड ओवरपावरिंग स्मेल एंड दैट आई एम गोइंग टू मेक एट होम। सो आई डोंट नो हाउ शी इज गोना रिएक्ट टुडे, बट ठीक है, नो इश्यू, बनाना तो पड़ेगा बिकॉज दिस इज अ मस्ट इन आसामीज फूड। सो ये कल हमने स्पेंसर से लिया था शुटकी माछ, 2 किस्म का। अब चलिए हमें शुटकी माछ बनाएं। की बात अच्छी शुटकी माछ? ना 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 शुटकी माछ अबे ना भाई बनाते। अरे ना आसामीज फूड ना 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 बाबा एटा माफ করবে এটা ছাড়া আর যা কিছু এই বলতো আসবে না। না না এই জিনিসটা আমি দেব না বানাতে, কাল থেকে তো অনেক বানালি আর কিছু বানাতে হবে না, এটা ছেড়ে দাও, এটা লাগবে না। I am not getting the permission to cook shutki much at home because of the smell. And आप देख सकते हैं बहुत प्रॉब्लम है, बहुत परमिशन एंड बहुत सेटिंग वेटिंग करके घर में खाना बनाना पड़ता है। एंड ऑल्सो अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज इस एफर्ट के लिए लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइज ऑल माई फूड आइटम्स आर रेडी, तो अभी मैं जाती हूँ, जाके फ्रेश हो जाती हूँ, फ्रेश होके फिर हम खाएंगे। अरे सिंजू को इधर कौन बिठाया? तुम इधर क्या करा सिंजू? हाँ ये पनिशमेंट है क्या? बदमाशी किया ना तुम, बिल्ली के पास गया ना? सो ये रहा मेरा ऑथेंटिक आसामीज थाली इज रेडी, अ लंच थाली जिसमें वी हैव भात, वी हैव मूलो दाल, मोशू टेंगा विच मीन्स सार फिश करी, वी हैव आलू बेंगून पीतिका माने आलू बेगुने चोखा, एंड लास्टली वी हैव दिस उमितो खार। फाइनली मैं एकदम नहा धो के अच्छे से रेडी हो चुकी हूँ एंड आई कैन नॉट टेल यू गाइज, आपको दिख रहा होगा मैं कितने खुश हूँ खुद खाना बना के, टायर्ड होके फिर फ्रेश होके खाना खाने बैठने में जो सुकून है ना वो सुकून लाइफ में कहीं नहीं है। पानी इज मस्ट, और ये पीतल का प्लेट में मम्मी आज खाने दे रही, हमेशा नहीं देगी तो आराम से खा लूँ आज ही।
गुआबदर का इसमें पीने में कितना अच्छा लग रहा है पानी, पानी में भी एक अलग टेस्ट है। जो जला हुआ बैंगन है उसका एक अलग सा स्मोकी टेस्ट है, मिर्ची का एक अलग सा क्रंची है, उसके अंदर जो हल्का हल्का प्याज एंड मैश्ड आलू का जो सिल्कीनेस है एंड जो प्याज का क्रंचीनेस है ओवरऑल, एंड ऑल्सो द कोरिएंडर, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट, ओवरऑल टेस्ट इज अमेजिंग। सिर्फ दाल भात और आलू चोखा, आई मीन पिटिका दे दो, मैं ऐसे ही खा लूँ, मेरे को और कुछ चाहिए नहीं लाइफ में। आई डोंट लाइक पपे एट ऑल। नॉट बैड, पपीता का एक अलग सा अनफेवरेबल टेस्ट होता है अगर आप पेपे बॉयल कभी खाए हो या पेपे शुक तो खाए हो, मेरे को वो टेस्ट उतना पसंद नहीं है। हाउएवर जो आलू का जो मिठास है ना वो पूरा टेस्ट को बैलेंस अप कर दे रहा है, कंपेंसेट कर दे रहा है, एंड इट्स टेस्टिंग रियली गुड। मम्मी खुश हो जाएगी आज ये खाना खाकर। গুছিয়ে গুছিয়ে খেতে খুব ভালো লাগে, ভীষণ ভালো লাগে। বিকজ অফ গন্ধলেবু ইজ আ ভেরি নাইস ট্যাঙ্গি টেস্ট, ট্যাঙ্গি স্পাইসি। আই হ্যাভ নো ওয়ার্ডস টু ডিসক্রাইব, ইটস দ্য লাইটেস্ট ডিলিশিয়াস फिश करी आई एवर हैड। आपने इसके इंग्रेडिएंट्स देखी होगी, इतने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इतना टेस्टी ये बना और इतने कम टाइम में बना ये। द फिश इज वेरी फ्रेश, मैंने यहाँ पर ये कतला फिश लिया हुआ है, काफी फ्रेश है, इट्स वेरी मीटी, इट्स वेरी जूसी। गोंदोलेपुर गोंदोटा भीषण भारत लक्ष्य है, इसमें जो ये खड़ा हुआ टमाटर है ना, दिस इज रियली एडिंग अ वेरी नाइस टेस्ट। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स पड़े ना कोई भी किसी का टेस्ट को सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा है, एक्चुअली फील इट व्हेन यू आर ईटिंग इट। This was all about the Assamese food challenge. I really hope and I wish that I did justice to the Assamese cuisine, and I wish and I hope by heart that you have really thoroughly enjoyed the video. अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू 1 lakh फूड फैमिली। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट कुजीन के साथ, नेक्स्ट फूड चैलेंज के साथ। टिल देन व्हाट, टिल देन हैप्पी असमीज फूड ईटिंग। डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा घर पे अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, हाउएवर वेजिटेरियन फूड फैम कैन ट्राई दिस अमिता खार एंड द आलू पिटिका, इट्स अमेजिंग, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस, यू विल रियली थैंक्स मी एंड यू विल थैंक्स असमीज पीपल टन्स ऑफ टाइम। थैंक यू गाइज, लव यू अ लॉट, बाय बाय।